तो आइए दोस्तों, अभी हम कन्वेक्स मिरर का फोकस के बारे में हम जानेंगे। तो पहले एक लाइन खींचिए, फिर यहाँ पर एक कन्वेक्स मिरर बनाइए। आप कंपास लेके 4 सेंटीमीटर लेके आप कर्व बना सकते हैं। तो ये जब बनाएंगे तो आपका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, हमेशा ये लेफ्ट साइड की तरफ आपको फेस करना है, ठीक है। तो ये सी हो जाएगा। तो अभी यह पैरेलल रे खींचेंगे तो ये किधर जाएगा, है ना। तो ये अभी इसको समझने के लिए नॉर्मल खींचना ज़रूरी है। तो नॉर्मल कैसे होता है, जैसे मैंने पिछले कॉन्केव मिरर का वीडियो में बताया था, तो जॉइन द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये आ गया इधर में, स्केल लेके आप नॉर्मल खींचे, ठीक है। तो दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, मान लीजिए ये 30 डिग्री है। तो अभी रिफ्लेक्टेड रे किधर होगा, तो इधर नहीं आएगा, तो ये नॉर्मल के उस साइड में जाएगा। तो ये 30 डिग्री आ गया। तो अभी दिस वन, सो दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे। तो अभी एक और रे लेते हैं, तो यहाँ भी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड नॉर्मल को जॉइन कीजिए। तो ये आपका हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस से 30 डिग्री। तो रिफ्लेक्टेड रे अदर साइड ऑफ द नॉर्मल, ठीक है। तो ये आपका इधर आ गया, तो ये रिफ्लेक्टेड रेज। अभी ये रिफ्लेक्टेड रेज जो है, जैसे कॉन्केव मिरर में मिल जाते हैं, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस में जाके मिल जाते हैं, तो वहाँ फोकस बन जाता है। लेकिन ये हम देख रहे हैं कि दीज आर द डाइवर्जिंग रेज, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इनको एक्सटेंड करेंगे बैक साइड, ठीक है। ये एक्सटेंड करेंगे स्केल लगा के, तो ये देखते हैं कि दे आर कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट। सो इट अपीयर्स दैट बोथ द रिफ्लेक्टेड रेज आर कमिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये आपका हो जाता है फोकस, ठीक है। तो अभी ये फोकस है, तो इधर में ये हो गया फोकल लेंथ, ठीक है। तो ये आप याद कीजिए कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फोकस ऑफ कन्वेक्स मिरर। सो इट इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम व्हिच इफ द रेज इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस अपीयर टू कम आफ्टर रिफ्लेक्शन, दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस, ठीक है। तो ये फोकस इज द पॉइंट जहाँ से वो इंसिडेंट रेज हो जाते हैं, वो लगता है कि वहाँ से आ रहे हैं रिफ्लेक्ट होने के बाद, ठीक है। तो ये हम देख सकते हैं। तो ये जो मिरर है, तो ये कन्वेक्स मिरर है, ये क्या कर रहा है, रेज को डाइवर्स कर रहा है, तो इसको डाइवर्जिंग मिरर भी बोल सकते हैं।